और इधर है मम्मी। रहेंगे तुम तुम रहेंगे ही और रह के बहुत कूटेंगे तुमको। तो आज चलेंगे हम लोग गंगा जी नहाने के लिए। हम लोग आ गए जी गंगा नदी में और क्रियांश जो है खूब इंजॉय कर रहा है। रिया को कुछ खरीदना है, ज्वेलरी, अपना जमीन बेचना पड़े, किडनी बेचना पड़े, सब बेच देंगे, बस तुम ज्वेलरी ले लेना भर भर के, ठीक है। तो रिया है जी यहाँ पर देख सकते हैं और अपना जो है कुछ कुछ पसंद कर रही है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हम लोग जी हो गए हैं तैयार और अब यहाँ से निकलने वाले हैं जिया के मायके। तो जिया इस बार जाने वाली है और अच्छा खासा स्टे करने वाली है। सारा सामान सब भी तैयार है, पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि यह सारा सामान जो है जिया करने वाली है दान, इन सारे सामान को पेपर भी जिया अच्छा से लेकर के जाना है। ये तो कहेंगे एक पैकेट पैकेट में हो जाएगा ना, बहुत है ना, काफी ठीक है, चलो चलते मायके जाने की जी खुशी देखिए। जिया अपने से सामान लेकर के जा रही है, मार्केट में एक झोला नहीं उठता है, कहती है कि ये पति देव आप पकड़िए झोला, हमसे नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए पूरा ट्रॉली उठा के लेके जा रही है। अच्छा कुछ सामान सब है यहाँ पर, तो वो सारा सामान सब भी उठा के चलते हैं लेके। ये देखो चलने के लिए तैयार है, तो हम लोग जी अब तैयार है निकलने के लिए, बस इंतजार कर रहे हैं इनके बाबा के आने का। तो हम लोग प्रणाम सब करेंगे, फिर आगे हम लोग को निकलना भी है। और क्रियांश तो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि इसको जाने के लिए निकलना है। हाँ निकलना है, ठीक है चलो। इसलिए अब इसको खेलना। एक और बोतल कहाँ रखी है इसका? हम लोग जी तैयार हो गए और हम लोग निकलेंगे तब जब क्रियांश जो है अपना बैट बॉल छोड़ेगा, है ना। बहुत दिनों बाद इसका बैट बॉल मिला है तो इस वजह से ये छोड़ ही नहीं रहा। और बैट बॉल खेलेगा कहाँ, ड्राइविंग सीट पे। बताओ तुमको मैके जाना है कि नहीं? जाना है, तो उठाओ इसको। One hour later. तो हम लोग जी अपने रास्ते की तरफ बढ़ ही रहे थे और हम लोग जो यहाँ से जिया जो है पपीता कुछ सब लिए, फिर उसके बाद आगे चले तो कुछ अपने सब्सक्राइबर सब मिल गए, जैसे देख सकते हैं वहाँ गाड़ी लगी हुई है, तो उन्होंने इशारा किया कि आप दो मिनट ट्रिक रोकिएगा, तो गाड़ी रोका गया और यहाँ को सब्सक्राइबर मिल गए, चलिए बात करवाते हैं आप। तो जी हम लोग यहाँ से जा रहे थे और अपने को सब्सक्राइबर मिल गए रास्ते में और काफी अच्छा लगा। अंकल कहाँ से हुए? पूर्णिया बिहार से है, तो हमारे पास के ही शहर से लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर है और काफी अच्छा लगा जी आप लोगों से। क्या नाम हुआ बाबू आपका? हाँ जी वंशिका। आपका? अंशु। और भाई? अभिषेक। तो सभी से मिलकर जी काफी अच्छा लगा। हम लोग जा रहे हैं जिया के घर। अच्छा। जिया अपने मायके जा रही है? हाँ हाँ, तो वही जा रही है अभी फिलहाल, ठीक है चलते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आगे बढ़िए, शुभकामना है यही। जल्दी चलते हैं, हम लोग देवघर जा रहे हैं। हाँ हाँ देवघर जा रहे हैं। हाँ बाबा भोला से दुआ करेंगे। हाँ हाँ और आगे राइट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जाइए, गुड लक। हाँ चलिए। One hour later. हो चुके हैं और क्रियांश जो है ए ए कर रहा है, ए ए ए। तो आते ही सबसे पहला काम किया कि हमने क्रियांश को सुला दिया, क्योंकि अभी उसको थोड़ा सा अनजान लग रहा है, अभी छोटा है ना, तो उसको सुला दिया हमने। अब वो जब सो के उठेगा एकदम फ्रेश फील करेगा। क्या कर रहे हैं? अपना थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, हाथ मुंह सब धोकर के, और खाना सब लग चुका है तो खाना खाने चलेंगे। और सबसे अच्छी खबर है कि क्रियांश सो गया है तो आराम से हम लोग खाना खा पाएंगे। नहीं तो नहीं खाने, जब भी आता है तो 2-3 घंटा उसी को संभालने में लगता है पहले। और इस बार जो है इसको बहुत मारेंगे हम, सोच के आए हैं। और इधर है मम्मी। मम्मी रहेंगे तुम रहेंगे ही और रह के बहुत कूटेंगे तुमको। हाँ, दोनों मिलके। हाँ, मेरी बहन को भी बहुत मारता है, तो इस बार हम आए हैं अच्छे से जम के रहेंगे और बहुत मारेंगे इसको। रहेगी तुम रहेगी, दो दिन रहेगी फिर चल जाएगी। नहीं ना हम रहेंगे, ज्यादा बोलो मत, समझा? समझा कि नहीं तुम? ज्यादा नहीं बोलने का, ठीक है बाबा? ये खोल ना, ये मेरे बाबा मुँह खुली ना बाबा, तेरा कहाँ ये आँख सब? नहीं क्या कर रहा है तुम? किचन में पंखा, गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। लगा दो रे, लगा दो। रंग खेलेंगे अभी, रंग खेलेंगे, बढ़िया है।
स्टैंड फैन लग रहा है। पे खाना भी लग चुका है जो कि मेरा फेवरेट है ये। 2 hours later. तो खाना खाकर हम सो गए थे और सोकर अभी उठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा, क्रियांश अभी तक सोया हुआ है। तो ये हमारा चाय और चाय पीते हैं यहाँ पे। हमको मम्मी के हाथ का चाय बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे तो हम उतना चाय नहीं पीते हैं, कभी कदार पीते हैं बस। कभी मन हुआ कि सर दर्द हो रहा है, क्रियांश रात में जगाया है तो पीते हैं, बाकी नहीं पीते हैं। पति देव फोन पे बात भी कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। क्रियांश आया पूरा गाँव घूम के, बहुत बहुत जगह गया। इस बात का डर लग रहा था कि ये गांव में घूमेगा कि नहीं, क्योंकि इसकी आदत है बस अपने मम्मी पापा से लगे रहने का। लेकिन भगवान की दया से अभी तक नजर आप नजर लगा दीजिए, वही कर रहे हैं। आज शनिवार है, कोई बात नहीं लगेगा नजर। मम्मी बोलेंगे अभी नजर उतार दे। जय जय अपना नानी घर में ऐसे घूमते रहे। अभी पूरा गाँव घूम के आया है क्या? बोलो ना। मच्छर है, मच्छर बेटा। बिल्लू है, बिल्लू बिल्लू मच्छर बिल्लू है, बिल्लू बिल्लू आ रही है, बिल्लू है, बिल्लू आ रही है, बिल्लू। क्या ऊपर जाएगा? ऊपर 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 क्या कर रहा है क्रियांश? ऐसे स्टंट मार रहा है क्रियांश, क्रियांश इंस्टेंट मार रहा है। बोलो तो एक बार नानक, बोलो नानक खुश हो जाएंगे। बोल लो नानू, बोल लो बोल लो बाबा नाना प्यार। एक्टिंग करता है, एक्टिंग 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 एक्टिंग। ओ पंखा दिख रहा है। अरे यहाँ पे पति देव कर रहे हैं नाश्ता, दाढ़ी में भी लग गया है एक तो। अब पापा पास जाएगा, बहुत देर से नहीं लिए। खा लो थोड़ा सा, खा लो का। यहाँ देख सकते हैं ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है। कैसे चढ़ रहा है भैया? देख 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 रहे हैं ना। वाह 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 वाह। देख अब उतर जा, उतर जा। नहीं नहीं नो नो, घास काटी लेता। यहाँ क्रियांश जो है मस्ती कर रहा है पूरा एकदम। लाठी ले लेगा, आप लाठी ले लो। नानू कह रहे लाठी नहीं लेने नानू का। अब जाएगा कुत्ता को मारने के लिए, देखिए तब तब वो प्यार ही नहीं करेगा, भाग जाएगा वो। A few moments later. मैं पता रहा दीदी ने तारों थी। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 7:30 और इस समय जो है हम भुट्टा लेकर के बैठे हुए थे, और हमारा तो भुट्टा खत्म हो गया और जिया का भी अभी कुछ भुट्टा बाकी है। तो काफी अच्छा लगा जी, और भुट्टा जो था यहाँ का थोड़ा सा जो है मीठा भी लग रहा था, बहुत ही मुलायम जैसा लग रहा था। भुट्टा सब जो जो उस तरह का रहता है ना, जो थोड़ा सा हार्ड टाइप का रहता है, उसको चबाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्वाद भी ऐसा नहीं मिलता है। ये बहुत मीठा था एकदम, तो बहुत ही अच्छा लगा जी एकदम भुट्टा और नमक लगा के, बहुत मजा आ गया जी। और आईपीएल देख रहे हैं ना? आईपीएल भी चल रहा है, तो सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है आईपीएल और इधर है भुट्टा। और क्या चाहिए जी जिंदगी में, मजे है जिंदगी में। फिर भी अपना घूम रहा आराम से। The next day. तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम आ गए पीछे जहाँ पे पेड़ पौधा फूल वगैरह है, तो देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और धूप यहाँ पे ना कल से इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना, कि लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होगा इस बार कल से ही, मुझे लगता है। पहले मम्मी को बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, मम्मी कह रही है कि आज से ही इतनी ज्यादा गर्मी है। तो आज चलेंगे हम लोग गंगा जी नहाने के लिए, क्योंकि कल पतिदेव चले जाएंगे, तो सोचे कि आज चलते हैं गंगा जी नहा लेंगे और वहाँ का नजारा अभी आप लोगों को दिखाएंगे। जब भी हम आते हैं अपने मायके तो गंगा जी जरूर जाते हैं और आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार ड्रोन लाना भूल गए पतिदेव, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हमको लेने के लिए तो उस टाइम ड्रोन याद रहेगा, फिर ड्रोन का भी फुटेज आपको दिखाएंगे। पतिदेव ब्रश कर रहे हैं उधर, आते हैं तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये हमारे पीछे का नजारा, ऊपर सोजन है और ये आंवला है जो कि हमने खुद लगाया था पूजा करने के लिए। कार्तिक में पूजा होता ना, कार्तिक मास में, तो उसमें ही हमने लगाया था ये पूजा करने के लिए। और ये फूल भी हम ही ने लगाया था, ये दोनों, ये है पपीता और ये है बैगन, इसमें बैगन आया हुआ पूरा। और जब हम बृहस्पति बार करते थे तो यहाँ पे पूजा करते थे, यहाँ पे केला के उसमें। 20 minutes later. तो यहाँ पे हमने बनाया है बेल का शरबत और यहाँ पति देव पी रहे थे, कैसा लगा? मजा आ गया, मीठा ठीक है। अच्छा लगा सही में? सही है, सही में अच्छा है। पीजिए तब, बोल रहे थे कि हम नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे, तो हम बोले नहीं बनाते हैं छोड़िए तब, तो कहते हैं कि हम पियेंगे बना लो। नौटंकी जमाने लगते हैं थोड़ा सा। डाइट कैसे बोल देंगे ससुराल हुए हम पूछ रहे थे ना, हमको अच्छा ना, तुम्हारे सपने भी थोड़ा बहुत सोचे, थोड़ा मैनर रखा जाए किसी चीज का। अच्छा डाइट कैसे बोल देंगे कि हाँ मन है हमको भी पीने का। तो थोड़ा बहुत तो बनना है, पीजिए ठीक है आराम से। 1 hour later. जा, तुम्हारे हाथ से घास ही नहीं खा रही कोई, आपको कह रहा है। अच्छा हम खिलाए, आ जाओ आ जाओ खिलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, ये लो ये रहा घास, दे दिए इसको, चलो चले। जय जय ऐसे
ऐसे खाती है प्यार से प्यार से खाती है आप ऐसे करके अब खिलाएगा वो जाके ऐसे आओ दादा ऐसे दो दो हाथ से खा लो भाई थोड़ा खा लो मेरे बेटे के हाथ से खा लो चलो ये देखो मेरे पास छोटा बेबी ये देखो ये लगी क्रियांश की नानी हाँ क्रियांश मिला अपनी नानी से छोटी नानी क्या चाहिए तुमको बताओ चलो चलो गंगा जी नहाने A few moments later. तो हम लोग आ गए जी गंगा किनारे और एक चीज का अफसोस रह गया कि हम अपना ड्रोन नहीं लाए तो ड्रोन लाते तो उससे और भी अच्छा व्यू आता यहाँ का तो वो हम मिस हो गया कोई बात नहीं जी इतना होगा आपको दिखा देंगे यहाँ से और फिलहाल जा करके जो हम लोगों को डुबकी भी लगाना है पहले डुबकी लगा लेते हैं व्हाइट सैंड गोवा वाला है क्रियांश मजा आ रहा है मजा आ रहा है। तो हम लोग आ गए जी गंगा नदी में और क्रियांश जो है खूब एंजॉय कर रहा है बस खाली जो लोग हैं आसपास थोड़ा उससे डर रहा है ये बाकी तो बिल्कुल सही है ये ठंडा लग रहा है ये 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 वाह 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 क्रियांश हाँ इसको जो है गुनगुना पानी साथ होता है नहाने का यहाँ पर ठंडा पानी है आये आये आर्यन नजदीक ही रहो आजा 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 पता ये लोग लगता है यहाँ का है हाँ सब डरता है पानी तो आने का मौका कहाँ मिला आने का मौका अभी हम लोग हैं जो हम लोग के साथ मिला इन सबको आने का मौका तो यहाँ जो गंगा नदी है जी थोड़ा खतरा का भी रहता है यहाँ पर बहुत लोग डूब भी चुके हैं यहाँ पे ये लोग रहता भी नहीं यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर जो है थोड़ा संभल संभल के हम लोगों को नहाना भी है यार देखिए कसरत चल रहा है क्या ये क्या किया कांड बन चल गया मजा कसरत खेल रहा है लो कैंस निकलो भैया चलो करो तो हम लोग जी गंगा में स्नान कर लिए डुबकी सब लगा ली और खूब मजे से नहाए और पानी भी इतना ठंडा था मजा आ रहा था नहाने में तो अच्छा खासा वहाँ पर नहाने के बाद जब पूरा मन भर गया उसके बाद हम लोग जो है आए यहाँ पर भी मंदिर है गंगा किनारे ही एक हनुमान जी का है और एक है काली माता सबका तो यहाँ पर जो है अपना दर्शन सब कर लिए यहाँ पर प्रणाम पाती सब कर लिए और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं जिया और रिया के आने का वो लोग उधर ड्रेस चेंज कर रहे हैं तो वो लोग जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे घर और फिलहाल जो है क्रियांश अपना खूब घूम रहा है यहाँ भी जय जय कर रहा है जितना भी जगह है तो गंगा से जी हम लोग आ गए और वहाँ पर जो है नहा करके खूब मजे सब तो किए और क्रियांश को आकर के सबसे पहले आकर हम लोग सुला दिए और क्रियांश सब सो गया तब हमें समय मिला है अब खाने का तो खाना खा रहे हैं और खाने में भी जो है बहुत तरह तरह का चीज मिला हुआ है यहाँ है सलाद और यहाँ है चटनी और यहाँ है आलू परवल की सब्जी और चावल तो हम लोग का दिन का समय का यही रहता है डाइट जो रोटी जो है लोग रात में खाते हैं और ये कटहल है और यहाँ पर है आलू का भुजिया पापड़ और उधर और उधर है दाल चरौड़ी अच्छा चरौड़ी भी है ना पापड़ के नीचे ढक दी तो फिलहाल हम लोग आए हुए हैं जी मार्केट तो यह मार्केट का नाम है खरीक बाजार हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जिया को कुछ खरीदना है ज्वेलरी तो जिया बहुत दिन से कह रही थी कि हमको जो कोई भी ज्वेलरी नहीं देते हैं तो हम कहे कि हाँ तो हम कहे कोई बात नहीं चलो तुम्हारा शिकायत इस बार जो हम दूर कर देते हैं तो भर भर के खरीदेंगे तो आज तुमको जितना भर के खरीदना है खरीद सकती है कोई दिक्कत नहीं है अपना जमीन बेचना पड़े किडनी बेचना पड़े सब बेच देंगे बस तुम ज्वेलरी ले लेना भर भर के ठीक है चलो ठीक है तो बाकी फुआ जी को भी ले लिए हैं वो मदद करेगी कि आखिर कौन सा सबसे हेवी हेवी ज्वेलरी मिलेगा ठीक है चलो आ गया है जी ज्वेलरी का दुकान तो जिया चल रही है यहाँ पर तो क्या दिला रहे हैं बहुत वीडियो में थेसिस दिए कि ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे तो बोल ही रहे जो तुमको उठाना है उठा लो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा तो मैं आई हूँ शॉप पे वो बताती हूँ मैं तो ये देख सकते हैं ये मेरे शादी का पायल है जो की बहुत खूबसूरत है और इसका ना एक में किल है ये वाला एक में नहीं है इसमें नहीं है वही लगवाना है और इधर जो है कुछ कुछ पायल है जो बहुत बड़ा हो गया उसको कटवाना है एक भी पहन ही नहीं पाते
पिछली बार जब ये दिए थे एक पायल हमको, पिछली बार ना सेकेंड बर्थडे पे दिए थे कि थर्ड बर्थडे पे, तो वो भी बहुत बड़ा है, वो भी नहीं पहन पाते हैं, उसको कटवा के आज ठीक करवाएंगे। यहाँ के लिए कोई स्पेशल साइज का पायल बनवाना पड़ेगा, ये नॉर्मल साइज का जो सबसे स्मॉल है वो भी नहीं आ रहा इसके पैर में, तो ये कैसा पायल? सबसे स्मॉल नहीं, वो लॉन्ग था, ठीक है। अच्छा, आप लिए गलत, कोई बात नहीं, ध्यान रखा जाएगा अगली बार। तो जिया है जी यहाँ पर देख सकते हैं, और अपना जो है कुछ कुछ पसंद कर रही है, वही कह रही है कुछ अरहम कर देना पति देव पर, आप टेंशन खर्च मत करना, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए उतना। अच्छा ठीक है, रहम किया जाएगा, रहम किया जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो यह तो शॉप है जी, यह है खरीक बाजार में, जैसा कि अभी आपको बताए थे कि हम अभी खरीक बाजार आए हुए, और भैया वहाँ पर देख रहे हैं वीडियो में, इनके शॉप का नाम है सचिन ज्वेलर्स, और मालूम चला कि जिया और जिया के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं, और इस आसपास का जो एरिया है यहाँ पर सबसे जो प्रसिद्ध दुकान है, सबसे जो पुराना दुकान है, और सबसे जो एक अच्छा रेपुटेशन वाला दुकान है, वह यह दुकान है, सभी लोग आते हैं, तो सोचा कि एक बार जो है भैया को भी साथ में वीडियो में ले लेते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं।